दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी 2 में पार्टिसिपेट करने वाली कंटेस्टेंट आकांक्षा पुरी की, जो कि सेकंड वीक में ही एलिमिनेट हो गई। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उनकी लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में, साथ ही उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद ही आप जानते हो। तो बिना वीडियो को स्किप करे बन रही हमारे साथ एंड तक। उनका जन्म 26 जुलाई 1988 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ और अभी वो 35 की है। उनका रियल नेम आकांक्षा पुरी, निक नेम आशी एंड प्रोफेशन से वो एक एक्ट्रेस एंड मॉडल है। इसके साथ ही उनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर एंड 5 फीट 6 इंचेस एंड उनका वेट 55 केजी एंड फिगर मेजरमेंट 34 है। साथ ही उनका आई कलर ब्लैक एंड हेयर कलर ब्राउन है और उनका रिलीजन हिंदू एंड नेशनैलिटी इंडियन है। उनकी फैमिली की बात करें तो उनके फादर का नेम आर के पुरी, जो कि एक रिटायर्ड एसीपी है, और उनकी मदर का नेम चित्रा पुरी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है। इसके साथ ही उनका एक ब्रदर भी है जिनका नेम अमितेश पुरी, जो कि एक बिजनेसमैन है। साथ ही उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल भोपाल से करी। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर से कम्प्लीट करी। उनके कैरियर की बात करें तो उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत मॉडलिंग से करी। और आपको बता दें कि एक्टिंग से पहले उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस में एज अ एयर होस्टेस भी काम किया। और उन्होंने अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत 2013 में आई तमिल मूवी एलेक्स पैंडियन से करी। फिर उसके बाद वो तिहार मूवी में दिखाई दी। इसके साथ ही उन्होंने 2014 में मलयालम मूवी प्रेस द लॉर्ड में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू 2015 में आई मूवी कैलेंडर गर्ल से किया और उसी साल उन्होंने मलयालम मूवी अमर अकबर एंथनी में भी काम किया। इसके साथ ही उन्होंने टीवी सीरियल में भी काम किया है। उन्होंने 2013 में सीआईडी से अपना टीवी डेब्यू किया। साथ ही उन्होंने 2017 में टीवी सीरियल विघ्नहर्ता गणेश में देवी पार्वती का रोल प्ले किया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारी म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है, जैसे कि जानम तुम हो, मेरे वर्का, जा रहे हो, दुआ करा, इश्क ही है। इसके साथ ही उन्होंने वेब सीरीज में भी काम किया है। वो 2020 में आई वेब सीरीज सिमरन में दिखाई थी और अब 2023 में उन्होंने बिग बॉस ओटीटी 2 में एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया और वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी। साथ ही वो काफ़ी अच्छी गेम प्ले कर रही थी और वो हर एक टास्क को काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती थी, लेकिन रूल ब्रेक करने की वजह से वो नॉमिनेट हो गई और नॉमिनेशन के चलते ही सेकेंड वीक में ही एलिमिनेट हो गई। बाकी दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको आकांक्षा पुरी कैसी लगती है। साथ ही ये भी बताएं कि आपको उनका कौन सा सीरियल या मूवी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। उनके रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें तो अभी के लिए आकांक्षा पुरी सिंगल है। वो किसी को डेट नहीं कर रही और ना ही उनका कोई बॉयफ्रेंड है। उनके हाउस की बात करें तो वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र में रहती है। इसके साथ ही उनके कार कलेक्शन की बात की जाए तो उनके पास एक मर्सिडीज बेंज सी क्लास है जिसकी कीमत 65 लाख रुपीज है। साथ ही उनके पास एक मर्सिडीज बेंज ई क्लास भी है जिसकी कीमत 88 लाख रुपीज है। उनकी इनकम की बात की जाए तो वो अपने पर एपिसोड का 80-70,000 चार्ज करती है। साथ ही वो अपने पर मूवी का 50-60 लाख रुपीज चार्ज करती है। उनके नेटवर्थ की बात करें तो 2023 के अकॉर्डिंग उनके नेटवर्थ 8 करोड़ रुपीज़ है। तो दोस्तों, अगर आप आकांक्षा पुरी के फैन हैं तो उनके लिए वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।